Welcome to PCMB Digital आज हम क्लास की Nets की 1.3 के question 4 को करेंगे। है, हमें किए गए हैं, हमें उस सेट के सभी के सभी सबसेट्स को राइट डाउन करना है सबसेट्स होते क्या हैं? सेट्स एंड सबसेट्स होते क्या हैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और सेट के एलिमेंट्स को यूज करके अगर कोई नया सेट बनाया जाए तो वो उस सेट का क्या बन जाएगा सबसेट सबसेट ए ए ए एंड बी 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 आर टू देन सेट 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 इज इज कॉल्ड ऑफ ऑफ इफ एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए का हर एलिमेंट कहा प्रेजेंट होना चाहिए सेट बी में और वी कैन से अगर बी सेट के एलिमेंट्स को यूज करके एक नया सेट फॉर्म किया जाए तो उस सेट का भी हर एलिमेंट कहां पे भी प्रेजेंट होगा सेट बी में तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा सेट बी का सबसेट हो जाएगा तो हमें सबसेट फॉर्म करने हैं किसके गिवन सेट्स के हमारा फर्स्ट सेट है सेट फोर्म बाय एलिमेंट ए हमारे पास एक सिंगलटन सेट है जिसमें कौन एलिमेंट है ए तो हमें स्टार्ट करना है करना, से, सेट फॉर्म करना जीरो एलिमेंट्स को यूज करके देन हम वन एलिमेंट यूज करके जितने भी सेट पॉसिबल होंगे वो सभी फॉर्म करेंगे देन टू एलिमेंट्स को यूज करके जितने भी पॉसिबल सेट्स होंगे उन्हें राइट डाउन करेंगे फिर थ्री एलिमेंट्स फिर फोर एलिमेंट्स इस तरह से हम एक एक करके सबसेट्स को राइट डाउन करते जाएंगे अब हमारे पास क्योंकि एक सिंगलटन सेट है सिंगलटन सेट वो सेट होते हैं जिसमें एक सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है इसका सबसेट या तो जीरो एलिमेंट को कंटेन करेगा या वन एलिमेंट को कंटेन करेगा जीरो एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट कौन सा होगा जीरो एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा नो no एलिमेंट और कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उसे किससे एम टी सेट या फाइ से डिनोट किया जाता है तो हमारा फर्स्ट सबसेट कौन होगा इट विल इन सेट फोर्म बाई एलिमेंट ए ऑल्सो वन एलिमेंट को यूज करके हम कौन सा सेट फॉर्म कर सकते हैं वन एलिमेंट कौन है ए तो इसे यूज करके जो नया सेट बनेगा वो हमारे गिवन सेट का क्या होगा सबसेट होगा तो हमारे पास दो सबसेट्स आए टू एलिमेंट इसके अलावा कोई भी थर्ड सबसेट हमारा पॉसिबल नहीं है ऑल्सो वी नो दैट एम टी सेट एंड द सेट इल्फ आर ट्रीवियल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ये दोनों सबसेट्स हमें मिल चुके हैं किसके सिंगलटन सेट के और ये दोनों ही कैसे सबसेट्स हैं ट्रीवियल सेट्स हैं सो वी हैव राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द सेट

तो हमारे पास दो एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट्स में कितने एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है या तो इसका सबसेट जीरो एलिमेंट कंटेन करेगा या इसका सबसेट वन एलिमेंट कंटेन करेगा या इसका सबसेट टू एलिमेंट्स को कंटेन करेगा क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास टू ही एलिमेंट है टू से ज्यादा एलिमेंट्स का कोई भी सबसेट फॉर्म नहीं हो पाएगा अब जीरो एलिमेंट्स को यूज करके कौन सा सबसेट फॉर्म करेगा एम्प्टी सबसेट एम टी सेट यूज जीरो या नो no एलिमेंट को कंटेन करने वाला कौन सा सेट होता है हमारा सेट होता है और ये तो हमारे हर सेट का क्या होता है सबसेट सबसेट तो हमने एक इसका फॉर्म कर लिया वो कौन है सेट अब वन एलिमेंट्स को यूज करके हम कौन कौन से सबसेट फॉर्म कर सकते हैं वन एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को यूज किया दैट इज ए और उसको यूज करके एक सेट फॉर्म किया एलिमेंट एनक्लोज इन ब्रेसेज विल फॉर्म अ सेट तो हमने एक सेट फॉर्म कर लिया है और क्योंकि ये हमारे सेट फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए बी के ही एलिमेंट्स को यूज करके बना है तो ये इसका क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा अब नेक्स्ट कौन बी भी तो सेट ए में एक एलिमेंट है तो बी को यूज करके भी एक नया सेट फॉर्म किया जा सकता है और बी को यूज करके जो नया सेट फॉर्म हुआ वो भी हमारे सेट फॉर्म बाय एलिमेंट ए बी का क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा अब हमारे पास दो ही एलिमेंट थे और दोनों को वन बाय वन यूज करके हमने जितने सिंगलटन सेट पॉसिबल थे वो फॉर्म कर लिए यानी कि जितने सिंगलटन सबसेट्स थे गिवन सेट के वो हमने फॉर्म कर लिए अब हम टू सेट टू एलिमेंट्स को यूज करके सेट फॉर्म करेंगे टू एलिमेंट्स को कौन कौन से हैं हमारे पास ए और बी तो इनको यूज करके एक ही सेट फॉर्म हो सकता है और ये हमारे किसके गिवन सेट के इक्वल होगा और गिवन सेट के इक्वल है तो गिवन सेट में कंटेन भी करेगा और गिवन सेट का एक सबसेट भी होगा फाइव और एम्प्टी सेट और गिवन सेट ये दोनों क्या होते हैं हमारे ट्रिवियल सबसेट्स इनको क्या भी बोला जाता है ट्रिवियल सबसेट्स ऑफ अ सेट तो दो तो हमारे पास ट्रिवियल सबसेट्स हैं और इससे अलग दो हमारे पास सिंगलटन सेट्स होंगे जो हमारे गिवन सेट के सबसेट बनेंगे टोटल फोर सबसेट्स पॉसिबल हैं किसके इस सेट के ओल्सो वी नो दैट नंबर ऑफ पॉसिबल सबसे पावरिटी क्या होती है कार्डिनेलिटी ऑफ सेट क्या है टू है तो टू की पावर टू हमारे टोटल फोर सबसेट्स फॉर्म होने चाहिए थे और हमने देखिए वन टू थ्री एंड फोर सभी के सभी सबसेट्स को फॉर्म कर लिया है लेट एस मूव टू नेक्स्ट पार्ट हेयर वी हैव अ सेट फोन्ड बाई एलिमेंट वन टू एंड थ्री हमारे पास थ्री एलिमेंट्स का एक सेट है हमें इस इन एलिमेंट्स को यूज करके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो राइट डाउन करनी है अब थ्री एलिमेंट्स हैं तो हमारे सबसेट्स में कितने कितने एलिमेंट पॉसिबल हैं जीरो एलिमेंट्स का सबसेट बन सकता है हमारे पास वन एलिमेंट को यूज करके सबसेट बन सकता है टू एलिमेंट्स को यूज करके सबसेट बन सकता है और थ्री एलिमेंट्स को यूज करके सबसेट बन सकता है थ्री से ज्यादा एलिमेंट्स को यूज करके हम सबसेट फॉर्म नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमारे सेट में मैक्सिमम एलिमेंट ही थ्री है अब जीरो एलिमेंट को यूज करके कौन सा सबसेट बनता है एम्प्टी सेट क्योंकि एम्प्टी सेट ही एक इकलौता ऐसा सेट है जो किसी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता तो ये हमारे सेट का क्या हो जाएगा सबसेट कैसे क्योंकि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो हमारे गिवन सेट में ना हो रिवर्स स्टेटमेंट के थ्रू हम इसे प्रूव करते हैं कि एम सेट हमारे गिवन सेट का सबसेट है अब वन एलिमेंट को यूज कर करके कौन से सेट फॉर्म किए जा सकते हैं एलिमेंट वन को यूज करके एक सेट फॉर्म किया वो भी हमारे सेट में कंटेन करेगा या हमारे सेट का सबसेट होगा सेकेंड एलिमेंट को यूज करके न एक सेट फॉर्म किया तो ये भी हमारे सेट का क्या होगा एक सबसेट होगा थर्ड एलिमेंट को यूज करके हम सेट फॉर्म करेंगे तो वो भी हमारे सेट का सबसेट होगा फोर्थ एलिमेंट को यूज करके कोई सेट फॉर्म हो ही नहीं सकता क्यों फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है ही नहीं अब वन एलिमेंट को यूज करके जितने भी पॉसिबल सेट थे उन्हें राइट डाउन कर लिया गया है अब टू एलिमेंट्स को यूज करके सेट्स को राइट डाउन करते हैं टू एलिमेंट्स को एक बार हम फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करते हैं तो उसके साथ हम सेकेंड एलिमेंट राइट डाउन करें फिर वन फिक्स है उसके साथ टू को हम यूज कर चुके हैं अब किसे यूज करेंगे थ्री को यूज करेंगे वन के साथ अब फोर्थ एलिमेंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो और कोई एलिमेंट राइट डाउन नहीं किया जाएगा वन को यूज करके हम जितने भी सबसेट फॉर्म कर सकते थे टू एलिमेंट्स वाले वो हमने फॉर्म कर लिए ये दोनों किस में कंटेन है सेट वन टू थ्री में सेट फॉर्म डाय एलिमेंट वन टू थ्री नाउ वन को फिक्स कर चुके अब हम टू को फिक्स करते हैं टू के साथ क्या पॉसिबिलिटी है टू के साथ हम वन राइट डाउन कर सकते हैं बट टू के साथ वन राइट डाउन करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है किसी भी सेट की इक्वेलिटी को वॉयलेट नहीं करता तो हम एलिमेंट वन के बाद टू लिखें या टू के बाद वन लिखें वो सेम सेट को रिप्रेजेंट करेगा तो टू के साथ वन को राइट डाउन करने का कोई इश्यू नहीं होगा टू के साथ फिर कौन राइट डाउन किया जाएगा थ्री टू के साथ थ्री राइट डाउन किया जाएगा और कोई बचा नहीं तो टू थ्री इज कंटेन्ड इन सेट वन फॉर्म्ड बाई एलिमेंट वन टू थ्री इसके बाद टू को हम फिक्स कर चुके टू के साथ और किसी एलिमेंट का पेयर पॉसिबल नहीं है अब थर्ड एलिमेंट को फिक्स करते हैं थर्ड एलिमेंट को फिक्स करने के बाद थ्री के साथ वन ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है थ्री के साथ टू ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये दोनों थ्री के साथ जितने भी पॉसिबल सबसेट्स फॉर्म कर सकते थे हम कर चुके टू एलिमेंट्स वाले तो थ्री के साथ टू एलिमेंट्स वाला नया सबसेट फॉर्म नहीं होगा टू एलिमेंट्स को यूज करके जितने सबसेट फॉर्म कर किए जा सकते थे हमने कर लिए अब हम थ्री एलिमेंट्स को यूज करके सबसेट फॉर्म करते हैं थ्री एलिमेंट कौन कौन से हैं वन टू एंड थ्री वन टू एंड थ्री दिस इज ऑल्सो कंटेन इन सेट फॉर्म्ड बाय एलिमेंट वन टू थ्री और ये सेट हमारे सेट में कंटेन है और इसके इक्वल भी है तो सेट फॉर्म्ड बाय एलिमेंट वन टू थ्री एंड द एम्प्टी सेट दीज आर ट्रिवियल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट

टू टू जाट एट के इक्वल होता है और क्या हमारे सबसेट फॉर्म हो चुके हैं यस yes. हमारे पास एट सबसे क्वेश्चन फोर पार्ट थ्री लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गिवन अ सेट फाइव फाइव रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट सो वी आर प्रोवाइडेड एन एम्प्टी सेट एंड वी हैव टू राइट डाउन सबसेट्स ऑफ दिस सेट क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे जीरो होंगे और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो पॉसिबल तो तो होंगे वो सबसेट्स जो जीरो एलिमेंट को ही कंटेन करेंगे और ऐसा कौन सा सबसेट है को, जो केवल जीरो एलिमेंट को कंटेन करता है वो हमारा एम्पटी सेट है तो एम्पटी सेट इज सेट किसका सबसेट है इस सेट का क्यों एम सेट में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो गिवन सेट में ना हो तो दिस इज द ओनली वन सबसेट ऑफ एम सेट और वो क्या है इट सबसेट तो भी होगा ये था हमारा क्वेश्चन ये था हमारा क्वेश्चन फोर पार्ट फोर आई होप यू हैव लाइक अवर वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू हैव एनी डाउट Please write down in comment section. We will answer your queries. Thank you.